Hope you all like it. Right? So give him a round of applause for this event. Have you heard about Kapil Sharma? No. Shame upon you. So what do they, these guys do? नजदीक 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 अरे बोलो पढ़ाओ यार सुनाई दे भाई को हेलो कहा है किसी ने कहा है कि जो हंसा वो हंसा कैसे फंसा जो हंसा उसका घर बसा और जिसका घर वासा पूछो दोबारा हंसा स्टैंड माइक मांग रहा था डंडा पेमेंट भी पहले चाहिए अरे यार हो गया हेलो सुनिए आइए छोटा बड़ा करना बंद कैसे करेंगे हेलो ये ज्यादा झुकना पड़ रहा है झुक के मजा नहीं आता हमको ब्यूटी पार्लर वाले सीधे कह दिया होगा कि भाई हमने तो जो करना था कर दिया ज्यादा हंसने के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है अच्छा ये बताइए फिर किसने देखा है इतने नहीं देखा टीवी नहीं है भैया समझ में देखा हेलो अरे भाई साहब आपने देखा है ऐसे गांव का एक आदमी थ्री इडियट देखने चला गया देख गया अब थ्री इडियट देखने कहानी कैसे बता रहा है वो अपने गांव वाले स्टाइल में भाई पहली बार देखने गया है हो गया बार बार झुक जा रहा है हाँ फिल्म में मजा तो आ ही रहा हाँ बहुत पैसा कमाए है फिल्मिया उदू लगे हैं के बाद आप करिए मजा रहा है आप कौन झुका रहे हैं मजा तो बहुत आया है गुड मार अच्छा काम किया है उसमें वो है हीरो है कान में लगान में घुसर है आमिर खनवर है उसमें एक ठो मार रहा है वो कान करीना भाजी एक बड़ा भूपक रहे का नाम रहे उसका चतुर चमत्कार करके बलात्कार कर बहुत ध्यान दे रहे फिर लेकिन ये फिल्म देखने के बाद हमको पता लगा कि शहर के कॉलेज में आता ना
सब बताइए, वो अमीर खाना पेशाब करने गया है, चम्मच लगा के करंट लगा दिया, बताइए भाई नाजू काम कहा है। हम अपने बच्चा को शहर के टोले से बुला लिए, आपका करें भगाने का घर जाना है। अरे भैया बोले दीजिए, नंदा बाबा के बोलिए। हाँ तो भाई बता, हम बुला लिए शहर से, उन्हें बताइए पढ़ाई से ज्यादा वंश जरूरी है, ना जाओ समझ गए। ये फिल्म से माफ करना, इंजीनियर को बहुत फायदा है। इस फिल्म से इंजीनियर को फायदा हुआ है। हाँ बताइए, पता कैसे? एक तो इंजीनियर से कराएगा करेंगे, हैं? इंजीनियर से कराएंगे, और एक तो डिलीवरी करा का पैसा कमाएंगे, कमरा कमरा में पानी भरेंगे और डिलीवरी करेंगे। बढ़िया, चला चला चला। एक जो है, एक जो बोल बोल ले लेते हैं। अच्छा ठीक, एक मिनट है, 30 रुपए दिए थे हमने। एक बार सही, एक तो हमारा दोस्त है, जय किशन नाम है उसका। हम और वो चले गए प्लेसमेंट में, बिहार से काबर, हम गए अंदर, हमारा प्लेसमेंट होने वाला था, इंटरव्यू में पूछा गया, ये बताइए आपका ना वो प्रधानमंत्री कौन है देश के? हम बोले विश्व विख्यात श्री नरेंद्र मोदी। कॉन्फिडेंस है हमारे, पता है भाई ठीक है, गंगाधर बोल रहा है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन बोला, ये बताइए हमारा देश कब आजाद हुआ था? हमने बोला कॉन्फिडेंस आंसर दिया, बताया होता, धन्यवाद आपका, चलिए रास्ता रखिए। हाँ तो हमने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि 1857 में हमारे देश के आजाद होने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, लेकिन 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद 1947 को हमारा देश आजाद हो पाया। और इस आजादी में हमारे पड़ोसी देशों का बहुत बड़ा हाथ था। कह रहा है वाह, क्या बात है। तीसरा क्वेश्चन पूछा, ये बताइए चांद में पानी है? हमने तो साइंस को मान चुकी है, हैं? लेकिन कंफर्म होने पर बताएंगे। बाहर आए जो दोस्तों था वो बोला गया, राहुल क्या बात है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? हमने बोला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आंसर बता दें, पहले का ही, दूसरा का ही, तीसरा का ही बता देना, पास जाओगे। अब आया क्वेश्चन लंबा हो गया, लंबा पूछे कि ये बताओ क्या नाम है? तो कह रहा विश्व विख्यात श्री नरेंद्र मोदी। तो वो कह रहे भाई इस पे तो धनिया लक्ष्मण लिखा है, वो घर का नाम है। दूसरा क्वेश्चन दागा तलाक देसी कि ये बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ? वो कह रहा है कि 1857 में तो जन्म होने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, हम पैदा हो पाए, लेकिन हमारे पैदा होने में हमारे पड़ोसियों का बहुत बड़ा हाथ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा, तुम पागल हो गया? बस पागल हो गए क्या? तो बोल रहा है साइंस तो मान चुकी है, साइंस तो मान चुकी है, लेकिन कंफर्म होने के बाद बताते हैं आपको। धन्यवाद।